जय हिंद दोस्तों, मैं साहिल एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम चल रही है, अब आज 24 अगस्त की थर्ड शिफ्ट छूटने वाली है, तो हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे कि आज के शिफ्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं और उनका पेपर कैसा रहा। सर जी, सर नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा अभिषेक ओनकर है। कितना स्कोर कहा आपको? जी मेरा 61। जी जी। कैसा पेपर देखने को मिला आपको? हाँ पेपर, हाँ ठीक आ रहा है। रीजनिंग एंड जो मैथ्स है ना, वो तो थोड़े इजी आ रहे हैं, बट जीके और जीएस जिन्होंने ज़्यादा पढ़ा है ना, उनके लिए जीके जीएस थोड़ा बढ़िया रहेगा। आपको जीके का पोर्शन कैसा क्या लगा? हाँ जीके के थोड़े मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं था वो थोड़े नहीं बने हैं, बाकी जिन्होंने मतलब पढ़ा हुआ है जीके जीएस उनके लिए तो ठीक है वो। वैसे जीके के अंदर क्या देखने को मिला आपको? हाँ जीके के अंदर यार क्वेश्चन तो वैसे याद नहीं आ पाएगा शायद। एक तो वो वंश के ऊपर से आया था, हुमायूं वंश और ये इनके वंश। इतिहास से क्वेश्चन कितना आया था? इतिहास से हाँ उनके 15 नहीं हाँ 8 एक क्वेश्चन आया था इतिहास से। जी और साइंस के अंदर? सर साइंस में 4 से 5 क्वेश्चन दिखे थे, बायोलॉजी के थे सर। जी मैथ्स का पोर्शन कैसा क्या लगा? मैथ हाँ ठीक था, 0 से 1 से छोटे ही लेवल का था क्वेश्चन मैथ के। तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था उसमें? सीआई आया था, एसआई भी आया था, औसत भी आए थे, समय कार्य भी आया था। और हार्ड टॉपिक कौन सा लगा आपको उसके अंदर? हार्ड टॉपिक में कुछ आए थे, थोड़ा कैलकुलेट वाले आए थे, वर्ग वाले, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया है। और कोई सा यूनिट बताइए जिसके अंदर से मतलब हार्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कैलकुलेट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे सी आई एस आई वगैरह। सी आई एस आई चलो ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा चंद्रवान धागड़। कितना स्कोर किया आपने? 73। आपके हिसाब से पेपर का लेवल किस लेवल में रखना चाहेंगे? पेपर मॉडरेटरी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। हाँ जीके के पोर्शन में बताइए आप किस टाइप से क्वेश्चन आए थे? जीके का एमपी से थे कुछ क्वेश्चन, और ज्योग्राफी के थे कुछ, हिस्ट्री के भी थे शाहजहाँ के ऊपर, और जीएस में कुछ करंट के ऊपर भी थे, ग्रैंड स्लैम वगैरह। अर्थशास्त्र के क्वेश्चन आ रहे क्या? अर्थशास्त्र के थे हाँ, टैक्स के ऊपर थे, 2 के समथिंग थे टैक्स। मैथ्स का पोर्शन कैसा लगा आपको? मैथ का ज़्यादा कठिन नहीं था, कुछ क्वेश्चन हार्ड थे और सभी नॉर्मल थे कुछ। कौन सी यूनिट से हार्ड क्वेश्चन देखने को मिले? हार्ड ये तो कन्फर्म नहीं है चीज़ें। सीआई के क्वेश्चन हार्डली पूछे जा रहे थे, 2-3 क्वेश्चन थे, सीआई एसआई का मिक्स करके 2-3 क्वेश्चन थे, सीआईएसआई के मिक्सिंग क्वेश्चन आ रहे क्या? मिक्स करके आए थे अलग अलग। रीजनिंग का पोर्शन कैसा रहा? रीजनिंग का अच्छा है, कुछ सिलोगिज्म का क्वेश्चन थे कुछ, और इधर अल्फा न्यूमेरिकल मिक्स करके थे कुछ। रीजनिंग के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से देखने को मिले आपको? रीजनिंग का ज़्यादा तो अल्फ़ाबेट वाला ही है, जो है रहता है अल्फ़ाबेट के ऊपर एबीसी करके, जो एक से दूसरे रिलेट करते हैं वो क्वेश्चन ही थे। पिछले एनालिसिस देखे थे आपने? नहीं मैंने नहीं देखे अभी, नहीं। टेस्ट लगाया था क्या आपको? टेस्ट भी नहीं लगाया, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। ठीक है, वैसे अच्छा स्कोर रहा आपका, थैंक यू। हेलो सर। हेलो, क्या नाम है आपका? कुंदन यादव। कितना स्कोर रहा आपका? मेरा 59 रहा। किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? क्वेश्चन जनरली सीआई और एसआई के थे। अच्छा। और उसके अलावा रूट के भी क्वेश्चन थे। अच्छा। जिसमें अब थोड़ा एडवांस मैथ्स थोड़ा पूछा गया, ज्योमेट्रि वगैरह। और उसके साथ साथ अपना रीजनिंग में अच्छा पोर्शन था, रीजनिंग थोड़ी अच्छी आई थी, कोडिंग डिकोडिंग अच्छी आई थी उसमें, उसमें मतलब टफ सवाल थे थोड़े, और साथ ही साथ जीके भी था जो थोड़ा इंडियन लेवल पे इंडिया लेवल पे पूछा था, और बस अप्रोक्सिमेटली इतना तो समथिंग रहा। अगर अपन जीके की बात करें तो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? जीके नृत्य वगैरह में आए थे, और उसके साथ साथ साइंस में शैली सेवाल और कैटेगरी के वाइज आए थे कि कौन सा कैटेगरी किस में बिलोंग करता है। और जो आपने नृत्य की बात करी तो नृत्य के अंदर क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है वो? मतलब मध्य प्रदेश में कौन से नृत्य किए जाते हैं, एक हिराई करके कोई सा नृत्य बोला था ये, हाँ वो किस से बिलोंग करता है वो हमको बताना था, हाँ किस जनजाति से बिलोंग करता है।
और जियोग्राफी से क्वेश्चन आए थे क्या? जियोग्राफी से हाँ, मिट्टी का पूछा था, मृदा को, ये कि किस मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन देखने को मिला आपको? दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही था, एक ही क्वेश्चन देखने को। हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिला आपको? हिस्ट्री में हाँ पूछा था कि शाहजहाँ था या कोई ऐसा कोई था जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया है, तो उज्जैन महेश्वर, ये ऑप्शन थे उसके, उज्जैन महेश्वर और बोले। और मैथ्स की अगर बात की जाए तो कौन सा टॉपिक आपको हार्ड लगा? मैथ्स में आयतन वगैरह भी आए थे, तो उसमें पूरा घुमा के पूछा गया था, और सीआई के कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आए थे जिसमें मतलब बहुत घुमा के पूछा था उसमें कि मिक्सिंग क्वेश्चन आए थे सीआई के अंदर। मिक्सिंग क्वेश्चन आए थे तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे या इजी तरीके से बन रहे थे? इजी थे, कैलकुलेटिव नहीं थे वो, कोई ना कोई सा रूट था, कोई ना कोई सा मतलब सिग्नल उसमें दिया हुआ था जिसको पकड़ के अपन को कट ऑफ करना। एडवांस के अंदर से क्या देखने को मिला, कौन से टॉपिक दिखे? अपन को आयतन वगैरह का देखने को मिला और जनरली अपना एक्स वाई के क्वेश्चन देखने को मिले। एलजेब्रा टाइप से क्वेश्चन? एलजेब्रा टाइप के क्वेश्चन 3 से 4 आए थे। सर साइंस के अंदर से क्वेश्चन किस टाइप से देखने को मिला आपको? साइंस में एक तो बायोलॉजिकल से आए थे और जनरली केमिस्ट्री से तो नहीं था। यूनिट वगैरह पूछा रहा था पिछले शिफ्टों में, तो इस बार भी पूछी थी क्या यूनिट से क्वेश्चन? यूनिट वगैरह नहीं था इसमें, सिर्फ और सिर्फ हाँ वो एक जूल का जो यूनिट था वो पूछा गया था एसआई मात्रक, और साथ में ज़्यादातर मुझे बायो का याद है कि बायो के दो। न्यूमेरिकल भी पूछे थे क्या? न्यूमेरिकल पूछे थे, प्लस माइनस वाले, मतलब कम से कम थे तीन क्वेश्चन थे। तीन क्वेश्चन न्यूमेरिकल के पूछे थे उसने, ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा हमने बच्चों से रिव्यू लिया है, तो बच्चों ने उनके जिस टाइप से पेपर गया है उस टाइप से क्वेश्चन बताए उन्होंने, तो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन तो लगभग सेम ही आ रहा है, लेकिन जीके के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, कुछ लेवल बढ़ाते ही जा रहा है उसके अंदर। और साइंस के क्वेश्चन तो बच्चे बता रहे थे कि उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहे किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे ऐसा यूनिट वगैरह से क्वेश्चन आ रहे हैं, और न्यूमेरिकल के भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस शिफ्ट के अंदर, और लगभग 70-75 के समथिंग एवरेज स्कोर रहा है इस शिफ्ट का। और इसी प्रकार से हमारा एनालिसिस देखने के लिए इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।